आज के ही दिन 14 फरवरी को हमारे देश में 2019 में आतंकवादियों द्वारा पाकिस्तान के संगठन PFI ने और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम आप जानते हैं पुलवामा, वहाँ पर आज सेना का ट्रक जा रहा था तो एक बारूद से बड़ी ट्रक उससे जानबूझ के एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर और 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे। तो उन सब के लिए आज हम एक शांति पाठ करेंगे, यहाँ पे मौन धारण करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हम तो बहुत ही ज़्यादा विनम्र होकर सारे शहीदों को हम नमन करेंगे। आप भी हमारे संग जो इस वीडियो को देख रहेगा, ठीक है, बहुत ध्यान से उनको नमन करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत जय हिंद जय भारत। आज पूरा देश बसंत पंचमी मना रहेगा। हर दिन 14 को आपको पता रहेगा कि वेस्टर्न कंट्रीज में आज के दिन क्या मनाया जाता है, लेकिन आज जो बहुत बड़ा दिन है हमारे देश के लिए, क्योंकि इसलिए भी बड़ा आएगा कि आज बहुत सारे लोगों की लोग फैमिली लोगों ने अपने बच्चों को खोया था, किसी के पेरेंट्स खत्म थे, किसी का भाई शहीद हुआ था, तो उनकी कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के लिए वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल हैगा और उसका कोई भी मोल नहीं है हमारे देश में। आज मोल है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि आज हम इतने महफूज अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हैं, सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, सो जस्ट बिकॉज ऑफ अवर जवान। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बसंत पंचमी की, और आज बलिदान दिवस है तो आज बिल्कुल भी आप वैलेंटाइन डे ना मनाएं, क्योंकि आज के दिन, ठीक है, 40 जवानों ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की बलि दी है। अगर आप मनाएंगे भी तो फिर आपको देख रही होगी उनकी अंतरात्मा बिल्कुल माफ नहीं करने वाली, इसका आपको स्मरण रखना है। ये हमारे देश का फेस्टिवल नहीं है वैलेंटाइन डे, आप अच्छे से जानते हैं, यूरोपियन कंट्री का फेस्टिवल ही है। और पता है ऐसा क्यों होता है, वैलेंटाइन एक बहुत बड़े महापुरुष थे। वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है कि वहाँ पे शादी के पहले ही लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, समझ में आ रहा है आपको, तो जनरली क्या होता है कि एक महापुरुष आए, उन्होंने क्या बोला कि आप लोग रिलेशन में पहले से रहते हो, मतलब कॉलेज वगैरह में वहाँ पे कूद पटांग चीज़ें चलने शुरू हो जाती हैं। तो जो वैलेंटाइन नाम के महापुरुष आए, उन्होंने कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ऐसा करो कि 14 फरवरी के दिन आपको विवाह करना होता है, विवाह कर लीजिए, आप विवाह करने के बाद आप पति पत्नी कहलाएंगे। लेकिन वहाँ पर अभी भी प्रचलन रहेगा कि पहले आप 4-5 लोगों को पटाओ, उनके संग डेट करो, ये करो वो करो। लेकिन हमारे देश में क्या है, हमारे देश वाले तो बेवकूफ़ है, कुछ भी वेस्टर्न से आया बिना सोचे समझे मनाने लग जाते हैं। यहाँ पर देश में का कल्चर है, और आप जब तक आपकी शादी ना हो, युवा हो आप, अभी सभी सारे के सारे विद्यार्थी युवा होने के साथ साथ हमें ध्यान रखना होता है कि जब तक हमारी शादी ना हो तो हमें किसी के ऊपर भी गलत निगाहें नहीं रखनी है, ठीक है। ये हमें राम जी को प्रपोज करने कौन आई थी भैया, सूर्पनखा आई थी, कितनी सुंदर बनकर आई थी, राम जी मान गए थे, युवा थे ना। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक आपका विवाह ना हो जाए, या विवाह के बाद भी, समझ रहे हो ना, तो आपको सिर्फ एक ही पत्नी के संग संबंध बनाना है। ये हमारा देश वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए, और आपको रीजन मैंने रीजन बता दिया क्यों है, वेस्टर्न कंट्री में अक्सर ऐसा होता है। विश ऑल द वेरी बेस्ट, यू कैन डू एनीथिंग, बहुत शुभकामनाएं, माता रानी आप पर कृपा करें, आप ऐसे ही मन लगा के पढ़ो,
देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए, अपने घर की तरक्की के लिए और खुद के विकास, खुद की सिलेक्शन के लिए, खुद के अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप पर मेहरबानी करें, आपको ब्लेसिंग दे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, यू कैन एवरीथिंग। शुक्रिया।